वर्तमान में राजस्थान की एक लोक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार की बात है, रेगिस्तान में एक यात्री एक लंबी यात्रा कर रहा था। वो बहुत भूखा, प्यासा और थकान से भरा हुआ था। उसने सोचा कि काश मुझे एक बड़ा सा पेड़ मिले ताकि मैं उसमें आराम करूं। तो उधर एक पेड़ आ गया। वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उसने मांगा कि काश मेरे को पानी पीने को मिल जाए। तो उधर एक घड़ा पानी आ गया। उसने पानी पिया और सोचा कि काश मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो उधर खाना आ गया और फिर उसने सोचा कि काश मुझे कुछ एक आरामदायक बिस्तर मिल जाए। तो उधर एक आरामदायक बिस्तर आ गया। उसने सोचा कि मैं इतना थका हुआ हूँ तो काश कोई मेरी पाँव दबाए। तो उधर एक मोहदरमा आके उसके पाँव दबाने लगी। वो पाँव दबाए और जैसे वो उठा तो उसने देखा कि सब कैसे हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है। और फिर उसने सोचा कि यहाँ पर कोई राक्षस और ये सब कोई चीज कोई कर तो नहीं रहा। तो वहां पर राक्षस आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे खाने वाले हो। तो राक्षस बोलता है हाँ तुम तैयार हो जाओ। तो वो यात्री अपना सामान लेके भागने लगता है और वो बोलता है कि काश ये राक्षस चले जाए। और वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। और तब वो बोलता है कि मुझे चौकन्ना रहना चाहिए कि जो भी मैं सोचूं। धन्यवाद।